हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल और आप सभी लोगों का स्वागत है डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा में। यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेद के बारे में। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसे प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जिससे हर इंसान पीड़ित है, सबके घर में ये प्रॉब्लम होती है। मैं बात कर रहा हूँ खर्राटे की प्रॉब्लम, यानी कि स्नोरिंग की प्रॉब्लम के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हम सबके घर में कोई ना कोई ऐसे पर्सन होते हैं कि जिनकी खर्राटे लेने की आदत होती है, और उनकी वो खर्राटे लेने की आदत की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं। ज्यादातर खर्राटे की जो तकलीफ है वो पुरुषों में, यानी कि मेल में ज्यादा पाई जाती है, और ज्यादातर पुरुषों में उनके खर्राटे की तकलीफ से उनकी पूरी फैमिली मेंबर्स और स्पेशली उनकी वाइफ जो है वो ज्यादा परेशान होती है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि खर्राटे जो है वो किन कारणों की वजह से आते हैं, और आयुर्वेद में उसका क्या समाधान अवेलेबल है, कौन सी ऐसी औषधि है कि जिसका सेवन करने से हम खर्राटे की प्रॉब्लम से बिल्कुल निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप जरूर से लाइक करिएगा, हमारे चैनल डॉक्टर दलाल आयुर्वेदा को जरूर से सब्सक्राइब करिए, ये जरूर से ना भूले सब्सक्राइब करना, और जो बाजू में बेल की घंटी दी हुई है, जो बेल का बटन दिया हुआ है, उसको आप जरूर से दबाएं ताकि हमारे जो भी नए वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हम बात करते हैं खर्राटे के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खर्राटे को स्नोरिंग कहा जाता है, और ये कैसे होता है वो जान लेते हैं। हमारे मुंह में ऊपर की तरफ जिसको हम तालू कहते हैं, उसे सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है। जब हम रात को रिलैक्स होकर सो जाते हैं तो ये सॉफ्ट पैलेट भी जो है वो रिलैक्स हो जाता है, और सॉफ्ट पैलेट जब रिलैक्स होता है तो सॉफ्ट पैलेट से अंदर की साइड जो हमारी ट्रेकिया, यानी कि सांस की जो नली है, वो जो एयर पैसेज है, उसमें जब ब्लॉकेज क्रिएट होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, यानी कि एक प्रकार का अवरोध क्रिएट होता है, उसकी वजह से वहां से जब एयर पास होता है तो ब्लॉकेज की वजह से उससे टकरा के एयर निकलता है और एक प्रकार का गुर्राने वाला साउंड बन जाता है, जिसे हम खर्राटे यानी कि स्नोरिंग कहते हैं। आइए दोस्तों, अब देखते हैं कि स्नोरिंग होने के क्या क्या कारण है। स्नोरिंग यानी कि खर्राटों का सबसे पहला कारण है मोटापा। जो लोग मोटापे से पीड़ित है, ओबेज है, ओबेसिटी जिन लोगों को है, जो लोग अपने शरीर से ज्यादा वजन रखते हैं, वैसे लोगों को स्नोरिंग की शिकायत होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब मोटापे को किस तरह से कम करना है उसके बारे में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको कारण बताया मोटापा। उसके बाद खर्राटे का जो दूसरा रीजन है वो हमारे नाक में से या हमारे मुंह में से म्यूकस का, यानी कि सलाइवा का ज्यादा सिक्रीशन होना, यानी कि कफ का ज्यादा सिक्रीशन होना, जो हमारा हमारा जो एयर ब्लॉक और एयर को ब्लॉक कर देता है अंदर। अब ये क्यों होता है? जिन लोगों को ज्यादा कफ वर्धक खाना खाने की आदत होती है, जैसे कि ठंडा पानी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, या कुछ ऐसे मिल्क शेक्स है, थिक शेक्स जो पीते हैं, उन लोगों को ज्यादा कफ का प्रोडक्शन होता है, म्यूकस का सिक्रीशन ज्यादा होता है, कफ का सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से जो है वो एयरवे ब्लॉक हो जाता है। एक और कारण है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, यानी कि विटामिन B1 की खामी की वजह से भी हमें खर्राटों की तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों का नेजल सेप्टम यानी कि नाक का जो पर्दा है उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी उसमें अगर उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, या जैसे कि DNS बोलते हैं, डेविएटेड नेजल सेप्टम, उन लोगों को भी खर्राटे होने के चांस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा जिन लोगों का स्लीपिंग पैटर्न इररेगुलर है, जो लोगों का सोने का पैटर्न बिल्कुल नहीं है, कभी रात को 10 बजे सो जाते हैं, कभी रात को 12 बजे, कभी 2 बजे, और कभी पूरी रात जागते हैं, और कभी पूरा दिन सोते हैं, ऐसे जिन लोगों का स्लीपिंग पैटर्न इररेगुलर है, वैसे लोगों को खर्राटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग रात के समय पे दारू यानी अल्कोहल का रेगुलर सेवन करते हैं, उन लोगों को खर्राटे होने के चांस ज्यादा रहते हैं। उसके अलावा किसी को नेजल पॉलिप यानी कि नाक में मस्से की तकलीफ है, तो नाक में जो मसा है वो एयरवे को ब्लॉक करेगा, और उसकी वजह से भी खर्राटे की तकलीफ हो सकती है। जिन लोगों को बहुत पुरानी सर्दी का प्रॉब्लम है, जो बार बार छींकते रहते हैं, जिनको बहुत पुरानी सर्दी का प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को भी खर्राटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो लोग कुछ चीजों से एलर्जिक होते हैं, या जिनको टॉन्सिल्स की तकलीफ होती है गले में, वैसे लोगों को भी खर्राटे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने ये आपको बताया कि खर्राटे होने के क्या क्या कारण होते हैं। अब जिन लोगों को स्नोरिंग की शिकायत होती है, वैसे लोगों को क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं वो भी हम देख लेते हैं। जिन लोगों को स्नोरिंग की शिकायत होती है, वैसे लोग जब दूसरे दिन उठते हैं तो स्लीपी फील करते हैं, क्योंकि खर्राटे की वजह से नींद अच्छे से नहीं हो सकती, और सुबह उठकर भी नींद आने का एहसास होता है। दूसरा, धीमा या भारी सरदर्द भी हो सकता है।
उसके अलावा ब्रीदिंग में डिफिकल्टी हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है और ये एक कोई बड़े डिसीज का संकेत भी हो सकता है। तो ये सिम्टम्स हम देख सकते हैं जिनको स्नोरिंग की शिकायत है वैसे लोगों में। अब मैं आपको एक होम रेमेडी बताने वाला हूं, एक जबरदस्त आयुर्वेदिक होम रेमेडी बताने वाला हूं। जिन लोगों को खर्राटे की तकलीफ है वैसे लोग इस रेमेडी का कम से कम एक महीने तक डेली इस्तेमाल करें। और आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि इस रेमेडी का इस्तेमाल करने से काफी सारे लोगों को बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त हुए हैं, जिसमें यहाँ पे मैं आपको दो चीजें बताने वाला हूं, एक इंटरनल पीने वाली चीज और दूसरी नाक में डालने वाली चीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटरनल पीने वाली चीज क्या है। इंटरनल पीने वाली चीज में हमें क्या करना है, एक अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसको बारीक पीस लेना है, उसके बाद उसको हमें पीस के उसका जूस निकालना है, इसका डिकॉक्शन निकालना है, उसका हमें रस निकालना है। एक से दो चम्मच अदरक के रस के साथ एक इलायची के पाउडर को मिक्स करके उसको गरम गुनगुने आधे ग्लास पानी के साथ रोज रात को सोते वक्त सोने से पहले हमको लेना है। ये डिकॉक्शन का आप रेगुलर सेवन करिए। याद रखिए, एक से दो चम्मच फ्रेश अदरक का जूस निकालना है, उसके साथ आपको एक इलायची को पीस के उसका पाउडर मिक्स कर देना है और इन दोनों को मिक्स करके उसको रात को सोते वक्त आधे ग्लास गरम गुनगुने पानी के साथ सेवन करना है। दोस्तों, ये मिरेकल होम रेमेडी है, इसका आप जरूर से एक महीने तक सेवन करें। इसके अलावा दूसरी एक आयुर्वेद की बेहतरीन औषधि है जिसका नाम है अणु तेल। अणु तेल जो है उसकी फोटो यहाँ पे बाजू में दिखाई गई है, इसे आप देख सकते हैं। ये अणु तेल आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। अणु तेल का आपको नस्य यानी पंचकर्म की चिकित्सा के अंतर्गत जो पांचवी चिकित्सा कही गई है उसे नस्य कहा जाता है, और नस्य के अंतर्गत अणु तेल का इस्तेमाल किया जाता है। ये अणु तेल का दो दो बूंद हमें नाक में डालनी है। यहाँ पे आपको किस तरह से नस्य की पोजीशन में सोना है वो पिक्चर दिखाया गया है। सीधे सो जाना है और सर को नीचे की ओर आपको थोड़ा सा लाई डाउन कर देना है। फिर एक बाजू के नोस्ट्रिल में इसकी दो बूंदे डालनी है, दूसरी बाजू के नोस्ट्रिल को दबा के इसको जोर से अंदर खींच के मुंह से सांस को छोड़ देना है। फिर दूसरी तरफ दो बूंदे डालनी है, इसको दबा के सांस अंदर खींच के मुंह से सांस को छोड़ना है। जब ये ऑयल गले में उतरेगा तो आपको उसको थूक देना है और ऊपर गर्म गुनगुने पानी का सेवन करना है। अणु तेल का नस्य सुबह में खाली पेट और रात को सोते वक्त दो बार करें। ये दो चीजों का आप यूज करें, जो काढ़ा मैंने आपको बताया, डिकॉक्शन बताया, उसको आप इंटरनली लें, और अणु तेल का सेवन आप नाक में डालने के लिए नस्य के स्वरूप में करें। एक महीने तक आप करेंगे, आपको आपके स्नोरिंग के प्रॉब्लम में 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, ये मैंने आपको दो चीजें बताई, उसके अलावा हमें क्या क्या करना है कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को स्नोरिंग की शिकायत है उनको एक अच्छा हेल्दी डाइट मेंटेन करना है, और उससे भी आपका अच्छा डाइट मेंटेन करने से आपका स्नोरिंग कंट्रोल हो जाएगा। आप इतना याद रखें कि रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले आप खाना खा लें। ज्यादा हैवी खाना रात के समय पे ना खाएं। रात का डिनर जो है वो लाइट रखें। ज्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन रात के समय पे बिल्कुल भी ना करें। आपका डिनर जो है उसमें अगर आप मलाई वाली चीजें या आप ज्यादा फैट वाली चीजों का कंजम्पशन आप उसको कंज्यूम करेंगे तो उसकी वजह से आपका कफ ज्यादा प्रोड्यूस होगा, म्यूकस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, तो उसकी वजह से आपका एयरवे ब्लॉक हो सकता है। उसके अलावा ज्यादा क्रीम वाली और मिल्क वाली चीजें रात को ना खाएं। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है उसका सेवन रात के समय पे बिल्कुल ना करें। और आपको क्या करना है कि कुछ ऐसी चीजें जैसे कि ठंडा एसी की कुछ लोगों को एलर्जी होती है, ठंडी हवा की एलर्जी होती है, तो जिस चीज की अगर आपको एलर्जी है वैसी चीजों को आप बिल्कुल ही अवॉइड करने की कोशिश करें। रात के टाइम पे आप चाय कॉफी का सेवन बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स। उसके अलावा आपको अगर ज्यादा वेट है आपका तो ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रीजन है स्नोरिंग के पीछे। आप अपनी ओबेसिटी को मेंटेन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया मैंने ओबेसिटी को कैसे ठीक करना है, उसका लिंक ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। रात के समय पे अल्कोहल का कंजप्शन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन है, आपके स्नोरिंग के पीछे। और सोने का पैटर्न जो है आपका उसको आप बिल्कुल करेक्ट करें। कुछ लोग बिल्कुल ऐसे सीधे सो जाते हैं, बिल्कुल सीधे नहीं सोना है, आपको करवट पे सोना है। करवट पे सोने से स्नोरिंग की प्रॉब्लम कम हो जाती है, और आयुर्वेद के मुताबिक अगर आप लेफ्ट साइड की करवट पे सोते हैं तो आपका डाइजेशन भी ठीक रहता है। स्मोकिंग को बिल्कुल अवॉइड करें, रात के समय पे स्मोकिंग ना करें, क्योंकि वो भी एक रीजन है स्नोरिंग के पीछे।
उसके अलावा फ्रेंड्स आपको सफिशियंट और साउंड स्लीप लेना है, आपको पूरी नींद लेनी है, जैसे रात को 10 से 11 बजे सो जाना है, सुबह 6 से 7 बजे तक की पूरी नींद लेनी है, लेट सुबह में उठने वाली नींद बिल्कुल नहीं लेनी है। उसके अलावा आपका जो सोने का जो गद्दा है, जो आपका मैट्रेस है, वो अच्छा और फर्म होना चाहिए, वो आपको आपको पसंद आए वैसा होना चाहिए, वो ज्यादा कड़क या ज्यादा नरम नहीं होना चाहिए। उसी तरीके से जो आप पिलो यूज कर रहे हैं, आपका पिलो भी बहुत ज्यादा नरम या बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, वो आपके लिए सफिशियंट और एप्रोप्रिएट होना चाहिए। उसके अलावा एक दो होम रेमेडीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने नीलगिरी के तेल के बारे में सुना होगा, आप नीलगिरी के तेल को गर्म पानी में डाल के 5 से 10 बूंदे नीलगिरी के तेल की गर्म पानी में डाल के उसका स्टीम ले सकते हैं। उसका स्टीम लेने से भी आपको खर्राटे की तकलीफ में काफी हद तक आपको राहत महसूस हो सकती है। आपको जैसे मैंने अणु तेल का नस्य करने का बताया, जो लोग अणु तेल का नस्य अवेल नहीं कर सकते हैं, वो लोग गाय के घी को गर्म करके उसकी 2-2 बूंदे सुबह शाम नाक में नस्य की विधि से डालेंगे तो भी उनको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा फ्रेंड्स एक आपको और सलाइन भी आप बना सकते हैं। आपको क्या करना है, 1 कप डिस्टिल वाटर लेना है, प्यूरिफाइड डिस्टिल वाटर, और उसमें आपको 1/4 चम्मच सॉल्ट ऐड करना है, 1/4 चम्मच आपको सॉल्ट ऐड करना है। फिर सॉल्ट को डिस्टिल वाटर में अच्छे से मिक्स करना है, और तब तक मिक्स करना है जब तक सॉल्ट डिस्टिल वाटर में पूरे का पूरा डाइल्यूट ना हो जाए। और एक बार पूरा सॉल्ट डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट हो जाए, उसके बाद उसको आप नेजल स्प्रे की बोतल में या तो आप कोई ड्रॉपर वाली बोतल में अच्छे से उसको भर के रख दे। याद रखें कि ये जो सलाइन आपने बनाया है, इसको आप मैक्सिमम 5 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं, 5 दिन के बाद आपको नया सलाइन बनाना है। और इसका इस्तेमाल आपको रात को सोते वक्त नाक में 2-2 बूंदे डाल के ऐसे खींच के सो जाना है, उससे आपका एयरवे अगर ब्लॉक रहेगा तो आपका नाक खुल जाएगा और आप अच्छे से सो पाएंगे और आपको खर्राटे बिल्कुल नहीं आएंगे। उसके अलावा फ्रेंड्स आप पेपरमेंट ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पेपरमेंट ऑयल यानी पुदीने का तेल। ये पुदीने का तेल जो है उसको भी आप गर्म पानी में डाल के उसका भी आप स्टीम ले सकते हैं। पुदीने के तेल पेपरमेंट ऑयल की स्टीम लेने से भी आपको खर्राटे की तकलीफ में राहत महसूस हो सकती है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। आशा रखता हूं कि मैंने आपको खर्राटे के बारे में जो होम रेमेडीज बताई है वो आपको पसंद आई होगी। आप इसको जरूर से इस्तेमाल करें, अगर आपको फायदा हो तो आपके दोस्तों के साथ भी आप इसको जरूर से शेयर करें। और फ्रेंड्स मैं आपसे इजाजत लेता हूँ, आगे हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।